কৃষকদের উপর থেকে কালা আইন বাতিল করার পরেও কৃষকরা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশ্বাস করছেন না। তার কারণ কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের বিভিন্নভাবে অপদস্থ করছে, এমনকি তাদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলতে পিছপা হয়নি। এভাবেই তোপ দাগলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা নজর কাড়া খবর। কি আমারে ওমর সিং স্যার এই আমারে তোমার তোমার সিং জি যে কহে হ্যাঁ দেখিয়ে মানে সরকার কো ইয়া কহনা চাহতে কিসান আপকো ভরোসা নহীঁ করতে, কিসান আপকো ইকিন নহীঁ করতে, ক্যোঁকি পিছলে এক সাল কিসান নে দেখা, হিন্দুস্তান কে কিসানো নে দেখা কি আপকি সরকার কিতনি ক্রূরতা কি সাথ ইয়ে কিসানো কে সাথ বর্তাও কিয়ে হ্যাঁ ऐसा अब साबित करने की कोशिश किया था और कोई कसर भी नहीं छोड़ा था कि ये किसान देश विरोधी है, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, मुट्ठी भर किसान है, चुनिंदा किसान है, ये तरह तरह की इल्जाम और गाली गलौज और इनकी छवि को विकृत करने के लिए, छवि को धूमिल करने के लिए ये सरकार हर संभव प्रयास किया था। इसलिए किसान ये सरकार को भरोसा बिल्कुल नहीं करते। सरकार प्रधानमंत्री को कहते हैं कि उनका राष्ट्रनीति ये है कि अटके नहीं, भटके नहीं, लटके नहीं, तो आप क्यों ये किसानों की ये मुद्दे को आप अटके भटके लटकने की कोशिश कर रहे हैं? जब आप किसान जो तीन काला कानून इनकी जो वापसी के लिए आप लोग मन बना लिए हैं, तो उसके साथ साथ आपको तो जरूर यह भी जानकारी थी कि किसान न्यूनतम सहायक मूल्य की मांग करेगी। आप क्यों नहीं ये बिल में इसको शामिल किए? अगर ये बिल में ये शामिल कर दिया होते तो किसान आज ये सवाल नहीं उठाते। आप किसानों से वार्ता करने में परहेज रहते। हमारे प्रधानमंत्री आज तक उनको कभी वक्त मिला कि हमारे हिंदुस्तान के जो अन्नदाताओं हैं 62 करोड़ अन्नदाताओं, उनके साथ एक बार वार्तालाप होना चाहिए, एक बार आमने सामने बात करके उनकी मन की पीड़ा, दिल की दुख हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। एक बार ये महसूस हमारे प्रधानमंत्री जी को हुई नहीं, इसलिए हिंदुस्तान के किसान उन पे और उनकी बात पे और उनकी